welcome to you all, my dear students. Today I will teach you class 7th English chapter first nouns. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को chapter first पढ़ाने जा रहा हूँ. Nouns class 7th chapter first. क्या है आपका chapter first है? Chapter first topic आपका है nouns. My dear students, in your previous classes you have already studied about nouns. आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि noun क्या होता है. So that but your first chapter name is noun. So that you open your first chapter nouns and then we will study about noun. I will teach you now. I will teach you about noun. मैं आप लोगों को अब noun के बारे में बताने जा रहा हूँ. A noun is the name of any person, place or things. जैसा कि आप जानते हैं, noun संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे देख सकते हैं, मोहन हो गया है आपका, दिल्ली हो गया आपका, इसके बाद आपका गंगा हो गया, आपका हो गया हॉर्स हो गया, ये सब चीजें, इन सब को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. यानी किसी का यदि आपने नाम दे दिया, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग्स. अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड. नाउन कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड है. जिस किसी का हमने नाम ले लिया वो आपका क्या हो गया? नाउन हो गया. जैसे हमने क्या लिया, पर्सन का नाम ले लिया मोहन, ये भी नाउन हो गया. प्लेस आपका दे लिया, ये भी नाउन हो गया. और थिंग में आपने जैसे ले लिया आपका फैन, वॉल, ये सब क्या है? नाउन है. और तालाब जिसको कहते हैं, ये नाउन हो गया. यानी कि जिस किसी का हमने नाम दे दिया, आपने नाम दिया, वो आपका सीधा क्या हो गया? नाउन हो गया. ये नहीं कि मैंने कहा पर्सन तो पर्सन है तभी वो नाउन होगा, प्लेस होगा तभी वो नाउन होगा. किसी भी का यदि आपने नाम ले लिया तो आपका क्या हो गया? वो नाउन हो गया. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे आप जानते हो, नाउन देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन जो होते हैं पांच प्रकार के होते हैं. बट उन पांच प्रकारों में मैं आज केवल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में. आपका होगा पहला प्रॉपर नाउन, सेकेंड आपका कॉमन नाउन होगा, थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, फोर्थ आपका हो गया मैटेरियल नाउन, फिफ्थ आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टू नाउन और होते हैं एक्स्ट्रा जिसे आप कहते हो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. सो देन लेट अस स्टार्ट फर्स्ट अबाउट प्रॉपर नाउन. अब हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है. इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे आप नाम से ही जानते हो व्यक्तिवाचक, यह होता है विशेष. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी विशेष वे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं. किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे आपने लिखा, आपने लिख दिया सीता. क्या लिखा आपने? जैसे को सीला, सीला या सीता, सीला, सीला इज द नेम ऑफ अ गर्ल. सीला ये क्या है? लड़की का नाम है. तो सीला इज अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन. सेकेंड आपका हो गया मान लो जैसे दिल्ली, दिल्ली आपका क्या हो गया? दिल्ली आपका हो गया दैट इज अ फेमस प्लेस, दैट इज अ पर्टिकुलर प्लेस दैट वी कॉल्ड अ दिल्ली. इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं. दूसरा आप थिंग में ले ली, आपका दिल्ली हो गया. जैसे आपका हो गया गंगा, गंगा क्या हो गया? गंगा आपका नेम ऑफ द रिवर. गंगा एक स्पेशल रिवर है. देयर इज अ स्पेशल रिवर, देयर इज अ स्पेशल रिवर व्हिच नेम इज गंगा, जिसका नाम क्या है? गंगा है. तो गंगा आपका क्या हो गया? एक स्पेशल नेम है. दिल्ली भी स्पेशल नेम है. और शीला भी आपका क्या हो गया? स्पेशल हो गया. जैसे टॉमी आपका हो गया, टॉमी टी ओ डबल एम वाई, टॉमी. तो टॉमी क्या हो गया? स्पेशल हो गया. क्या हो गया? टॉमी डॉट जैसे हो गया आपका टॉमी ग्राम. तो टॉमी आपका क्या हो गया? स्पेशल हो गया, स्पेशल नेम हो गया. सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. अब आपका सेकंड हो गया कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा. जैसे इसका डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन
और प्लेस और थिंग्स, इन सब का, इन सब को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे यहां लिखा गया शीला, शीला इज अ गर्ल, शीला इज अ गर्ल, शीला क्या है, लड़की है। दिल्ली, दिल्ली इज द, दिल्ली इज, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा आपका हो गया द गंगा, थर्ड आपका हो गया द गंगा, द गंगा इज अ रिवर, द गंगा इज अ रिवर, गंगा इज अ रिवर, रिवर में क्या होता है नदी। अब आप देखिए शीला इज अ गर्ल, शीला क्या है, एक लड़की है, शीला क्या है, लड़की है। तो आपका शीला क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, शीला आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, जिसको हम पी से दर्शाते हैं पी, प्रॉपर नाउन। अब आपका एक गर्ल, गर्ल क्या है, गर्ल एक क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉमन नाउन, क्या हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल में कोई भी गर्ल हो सकती है, गर्ल क्या है, ये जो है नेम है, गिवन टू एवरी पर्सन ऑन प्लेस नेम। एक गर्ल क्या हो गया, ये जाति हो गया, इस गर्ल में अगर हमने नाम दे दिया शीला, तो शीला का क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, गर्ल आपका कॉमन नाउन हो गया। सेकंड में आप देखिए जैसे आपका दिल्ली है, तो दिल्ली आपका क्या हो गया, दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और आपका कैपिटल क्या हो गया, एक कैपिटल आपका हो गया कॉमन नाउन, राजधानी, कैपिटल मींस राजधानी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी। अब कैपिटल में कैपिटल कोई भी हो सकता है, देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री। तो अब आप कराएंगे हर स्टेट का अपना अलग अलग क्या होता है, कैपिटल होता है, तो कैपिटल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और आपका दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया द गंगा, द गंगा, द गंगा इज अ रिवर, गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है। तो आपका जो रिवर है, रिवर आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और गंगा आपका हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि गंगा इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक रिवर, गंगा जो है स्पेसिफिक रिवर का नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, और ये गंगा जो है आपका ये हो गया प्रॉपर नाउन, गंगा प्रॉपर नाउन हो गया, और रिवर आपका हो गया कॉमन नाउन। सो दैट माय डियर स्टूडेंट वी विल नो अबाउट प्रॉपर एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। एक चीज और, प्रॉपर नाउन को जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे, उस प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर को हम सदैव ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन में शीला है, तो शीला आप क्या लिखोगे, हमेशा कैपिटल लिखेंगे, यस। दिल्ली में भी आप हमेशा कैपिटल से लिखोगे, गंगा में जी आप कैपिटल से लिखोगे। नाम है टॉमी, टॉमी क्या है, नेम है, नेमिंग वर्ड है, स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड है, सो दैट इज ए प्रॉपर नाउन। सो दैट व्हाट इज स्टूडेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन a proper noun and a common noun।